जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण, आज के वीडियो में बात करेंगे भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। इस वीडियो के माध्यम से हम 50 प्लस क्वेश्चन कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप नीचे जाइए और यहाँ पर आपको लाल बटन दिख रहा होगा उसको दबाकर ब्लैक कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार मित्रों में, और इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग शिक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। आज का पहला प्रश्न है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, फिर 50 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कमेंट भी करेंगे सभी लोग, सभी लोग कमेंट करेंगे, एक एक प्रश्न का आंसर सभी लोग कमेंट करेगा। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आपने अच्छे से इसको याद रखना है। अगला ऑप्शन, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में स्थित है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान और भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सही आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए, 1936 में। ठीक है, 1936 में जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और उत्तराखंड में आपका स्थित है। अगला ऑप्शन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? प्रोजेक्ट टाइगर की बात करते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल 1973 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला ऑप्शन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग कमेंट करेंगे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 1974 में। ठीक है, 1974 में स्थापना हुई है, कहाँ पर? ये कर्नाटक में आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उमरिया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में आपका माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला ऑप्शन है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी, 1968 में, और स्थित कहां है तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, आपने याद रखना है। ठीक है, एमपी में, मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला ऑप्शन है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1972 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था, आपने याद रखना। ठीक है, ठीक है, ये कब पारित किया गया? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। अगला ऑप्शन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, असम में स्थित है। कहाँ पर मित्रों? असम में आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, आपने याद रखना है। कहाँ पर मित्रों? ठीक है, ये असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला ऑप्शन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1908 में, 1908 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1985 में। का मित्रों 1985 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया। अगला ऑप्शन है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला ऑप्शन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सभी लोग एक बार क्लास को मित्रों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके पास आपका बेल आइकन आता है, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, ये हमारा कहाँ पर स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, आपने याद रखना है। ठीक है, अगला ऑप्शन है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 1984 में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1987 में। ठीक है, 1987 में राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। अगला ऑप्शन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, आपने इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कमेंट करिएगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 जून 1955 को। ठीक है, 1 जून 1955 को स्थापना की गई थी, और कहाँ पर है मित्रों? ये हमारा MP में है, लेकिन ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मानस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सभी लोग इसको स्टार बनाकर नोट करेंगे, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में आपका मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला ऑप्शन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, स्थापना कब की गई सभी लोग बताएंगे। मानस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सी 1985 में। ठीक है, 1985 में स्थापना, और इसका जो स्थित कहाँ पर है? असम में स्थित है। अगला ऑप्शन है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सभी लोग कमेंट करेंगे, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, उत्तराखंड में आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी मित्रों 1982 में। ठीक है, 1982 में इसकी स्थापना हुई, और UK में यानी उत्तराखंड में आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? ठीक है, नंदा राष्ट्रीय उद्यान जो है मित्रों, इसको विश्व धरोहर में कब घोषित किया गया सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर के रूप में इसको घोषित किया गया था। ठीक है, और ये हमारा कहाँ पर पत्र है? उत्तराखंड में स्थित है, आपने याद रखना है। अगला सर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बनाकर सभी पॉइंट सभी लोग स्टार बनाकर नोट करेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपने के राष्ट्रीय उद्यान से एक या दो प्रश्न जरूर बनते हैं, और हर एग्जाम में राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न बनते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर जरूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कंचनजंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में आपका कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? स्थापना कब की गई और कहाँ स्थापित है? स्थापना इसकी हुई थी मित्रों कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1977 में। ठीक है, 1977 में स्थित हुई थी, स्थापना हुई थी, और हमारा कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में हमारा स्थित है। अगला ऑप्शन है,
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2016 में। ठीक है, 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है मित्रों? ये हमारा कुल्लू हिमाचल प्रदेश में स्थित है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब किया गया था? ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब किया गया था? राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 1984 में, 1984 में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 2014 में। ठीक है, 2014 में ग्रेट हिमालय को राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहर में इसको जोड़ा गया था। अगला ऑप्शन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर की बात करें तो हमारा कहाँ पर स्थित है मित्रों? राजस्थान में रणथंभौर स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना की बात करते हैं, स्थापना हुई थी इसकी 1980 में, 1 नवंबर 1980 में स्थापना राजस्थान में हमारा क्या मित्रों ये स्थित है, आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, भरतपुर, राजस्थान के भरतपुर में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी मित्रों 1982 में। ठीक है, 10 मार्च और 1982 को इसकी स्थापना हुई थी, और कहां पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। अगला ऑप्शन है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 1985 में। ठीक है, 1985 में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। साइलेंट वैली किस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, केरल में साइलेंट वैली नेशनल पार्क स्थित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर मित्रों? पोर्ट ब्लेयर। अगला प्रश्न है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेंच की बात करते हैं तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मेगाली लैंड कहा जाता है। रुडार्ड किपलिंग की भारत की जंगलों पर आधारित कथाएं यहां से प्रेरित मानी जाती हैं, और विशेषकर द जंगल बुक, ठीक है, जंगल बुक इस प्रमुख इसके प्रमुख पात्र का नाम है मोगाली, इसका क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, द जंगल बुक है, इसका संबंध कहां से? जंगल से। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? पेंच राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग इसको क्या करेंगे? स्टार बनाकर इसको नोट करेंगे। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1975 में। ठीक है, 1975 में पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बनाते जाइएगा। ठीक है, दुधवा की बात करते हैं, दुधवा हमारा कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करते हैं तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई थी? 1977 में। पड़ता कहाँ पर? हमारा यूपी में। ठीक है, 1977 में स्थापना, और उत्तर प्रदेश में हमारा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सही आंसर इसका मित्रों ऑप्शन नंबर सी, कहाँ पर स्थित है? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 44 है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1981 में। कब? 1981 में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है?
क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिवपुरी मध्य प्रदेश में। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं, शिवपुरी मध्य प्रदेश में आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1958 में। ठीक है, 1958 में माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, कमेंट करेगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। कहाँ पर मित्रों, तमिलनाडु में आपका क्या स्थित है, तमिलनाडु में आपका स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अगला ऑप्शन है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई महाराष्ट्र में आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सभी लोग स्टार बना लीजिए इस पे का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल के मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब किया गया, राइट आंसर इसकी स्थापना हुई थी इसकी 18 फरवरी 1979 को। ठीक है, 18 फरवरी 1979 को। अगला ऑप्शन है भारत में बाघों की सबसे बड़ी घनत्व वाली अभयारण्य कौन सी है, सबसे बड़ी घनत्व वाली अभयारण्य कौन सी है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, माधवगढ़ अभयारण्य, यहां पर सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, दच्ची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दच्ची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। राइट आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में आपका दच्ची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला ऑप्शन है केन वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, केन वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बनाकर इसको नोट करिएगा, केन वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश में आपका केन वन जीव अभयारण्य स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और मित्रों कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट आपको पसंद आया। ठीक है, सभी लोग कमेंट करिएगा। और एक इम्पोर्टेंट सूचना, जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी 7054 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर जाइए, सर्च करिए अवतार स्टडी 7054 और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।